तो दोस्तों मैथ उसी की अच्छी होती है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप मैथ को ना हिला के रख दोगे, अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप मैथ के सवाल को कर तो क्या उसे हिला भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपकी कितनी कैलकुलेशन अच्छी है ये मैं चेक करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपके लिए ना एक प्यारा सा सवाल लेके आया हूँ। इसे मैं आपसे अगर बोलूँ कि इसे भाई सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो आप देखिए क्या करोगे। यहाँ पर देखिए 9 का तो 9 एज इट इज रहेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर 3 एज इट इज रहेगा। अब आप ना सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप जब कोष्टक को सॉल्व करोगे 2 और 1 3 होता है, ठीक है। 3 होने के बाद अब आप क्या करोगे, फिर आप इसको आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे 9 का 9 एज इट इज रहेगा, ठीक है, डिवाइड का डिवाइड रहेगा। अब आप क्या करोगे जब आप इस कोष्टक को सॉल्व करोगे 3 3 9, ठीक है, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे 9 की डिवाइड करोगे 9 में, ठीक है। जब हम 9 का भाग 9 में देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपका आंसर तो 1 आ चुका है, मुबारक हो आपके लिए। अब देखिए दोस्तों आपने तो खेल लिया, अब आपने तो अपना आंसर लेके आ गए, अब देखिए थोड़ा मुझे भी खेलने दो। देखिए दोस्तों मैं भी इस सेम टू सेम सवाल को सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए आपने तो अपना आंसर लेके आ गए, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सवाल को मैं यहाँ पर नोट करूँगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 और कोष्टक के अंदर 2 प्लस 1, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसे ना मैं भी इसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसको कोष्टक को सॉल्व करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3, और देखिए दोस्तों जब कोष्टक को सॉल्व करूँगा 2 और 1 3, ठीक है। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों जब इससे हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाई एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों जब हम ना इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, देखिए कोष्टक और संख्या के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 और मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए दोस्तों, अब देखिए आपने एक रूल पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा है तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा रूल है। यहाँ पर देखिए जब डिवाइडेड बाई और मल्टीप्लाई आ जाती है तो हम किसे प्रेफरेंस देते हैं, तो हमने डिवाइड को पहले प्रेफरेंस देंगे, यानी कि हम सबसे पहले ना डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम 3 से भाग देंगे 9 में, ठीक है। जब हम 3 से 9 में भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और जब हम 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 आएगा। अरे देखिए दोस्तों मेरा आंसर तो 9 आया है और आपका आंसर 1 आया है, ठीक है। इसमें सही कौन है, मैं सही हूँ या आप सही, इसमें कोई एक ही सही होगा। तो इसके लिए हम सही और गलत की जांच पड़ताल कैसे करें दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए तो हमें कोर्ट कचहरी घूमना पड़ेगा, तो इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो हम देखिए हम बोर्डमास भैया को याद करते हैं, ठीक है। जो बोर्डमास भैया ने क्या कहा था, बोर्डमास ने कहा था, चलिए आइए मैं आपको ना बोर्डमास का नियम भी समझा देता हूँ, ठीक है। बोर्डमास ने क्या कहा था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बोर्डमास भाई साहब आ गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ना बोर्डमास को ना डीपली समझेंगे, ठीक है। डीपली कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिए बोर्डमास में सबसे पहले बी, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है। कोष्टक इसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। कोष्टक कितने प्रकार के हैं, कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये देखिए रेखा ब्रैकेट है, ठीक है, और ये देखिए छोटा ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट है, और ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। अगर हम कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई सा ब्रैकेट आ जाता है तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रेखा वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ना छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और बाद में हम बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर किसी सवाल में मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट आ जाता है तो हम सबसे पहले है ना मंझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बोर्डमास नियम कहता है। और देखिए दोस्तों बोर्डमास में बी के बाद ओ आता है, ठीक है। ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब यहाँ पर देखिए साफ दिख रहा है आपको, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं का, ठीक है। अगर किसी सवाल में ऑफ आ गया यानी कि का आ गया तो हम उसके बाद ब्रैकेट के बाद फिर हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों बोर्डमास में फिर आता है ओ के बाद आता है डी, ठीक है। तो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन का मतलब इसको हम हिंदी में कहते हैं भाग करना, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर हम भाग करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद फिर उसके बाद आता है एम, एम यानी कि मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई को हम हिंदी में कहते हैं गुणा करना, ठीक है। फिर हम भाग के बाद हम गुणा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एम के बाद आएगा ए, ठीक है। और ए का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन
एडिशन का मतलब होता है हिंदी में हम इसको कहते हैं जोड़ करना, ठीक है। फिर उसके बाद गुणा करने के बाद फिर हम ना जोड़ करेंगे, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में आता है एस, ठीक है। एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, ठीक है। इसे हम हिंदी में कहते हैं घटाव, यानी कि घटाव करना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इन सब में से अगर बोर्ड मास नियम को अगर हम लगाना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में सबसे पहले हम लाइन को सॉल्व करेंगे, लाइन वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम का को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, और उसके बाद हम घटाव करेंगे, ठीक है। ये हम ना स्टेप बाय स्टेप यानी कि सीरीज में करेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले आप जोड़ कर दे रहे हैं फिर आप भाग कर रहे हैं, ऐसा अगर आप करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो आपने सवाल किया था इसका आंसर अभी आपको जस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और हम सवाल लेते हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड मास के नियम पर आधारित सवाल होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो कैलकुलेशन है यानी कि बोर्ड मास है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सवाल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सवाल नोट करूँगा। ये देखिए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बोर्ड मास एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका बोर्ड मास का जो बेसिक है वो आज बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये सवाल है कोष्टक, ये देखिए बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक के अंदर 75-16 भागित 4 और का 2 है, ठीक है, और प्लस छोटा ब्रैकेट है 26-6 और भागित 4, ठीक है। अब इतना सवाल हमको दिया है, ठीक है। अगर देखिए हम इसमें बोर्ड मास नियम लगाएं तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला ब्रैकेट है, छोटा वाला ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले हम ना छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको हम एज इट इज़ बिल्कुल उतार लेंगे, ठीक है। 75 है, ठीक है, 75-16 और भागे 4 का 2, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे प्लस। अब देखिए दोस्तों हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखिए 26 में से 6 जाएगा, ठीक है। जब हम 26 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 20, ठीक है, 20 और भागित 4, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें देखिए बोर्ड मास अगर नियम को हमें फॉलो करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब तक हमारे ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाते तब तक हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट की अवम संख्या को हम ना सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 75 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए का है, ठीक है। यहाँ पर मैं का लिखना चाहूँगा, सबसे पहले का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़े थे बोर्ड मास में, देखिए ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम ना ओ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और का मतलब होता है गुणा, ठीक है। हम का हटाएंगे और गुणा का चिन्ह हम लगा देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, इस का की जगह हम केवल मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 75-16 है, ठीक है, इतना करने के बाद, और भागित 4 है, 4। अब देखिए दोस्तों हम का हटाएंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। का हटाए, गुणा का चिन्ह लगाया और 2, और ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे, और देखिए दोस्तों प्लस 20 भागित 4 है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर हम इस बड़े बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। जब तक हमारे इस कोष्टक की संख्या सॉल्व होकर एक सिंगल संख्या नहीं आ जाती है तब तक हम इस कोष्टक को नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। तो हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, फिर इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस कोष्टक को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। जब तक हमारी संख्या सिंगल नहीं आ जाती तब तक हम कोष्टक लगाते रहेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ये भाग है, और ये देखिए गुणा है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए हम भाग करेंगे, ठीक है। ओके बाद हम क्या करेंगे, भाग करेंगे यानी कि डिवीजन करेंगे, उसके बाद ही हम आगे वाले स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 का हम भाग देंगे 16 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाग है, जब हम 4 का भाग देंगे 16 में तो यहाँ पर देखिए दे देते हैं, ठीक है, 16 में, यानी कि 4 से हम भाग देंगे 16 में, ठीक है। जब देखिए 4 से भाग दे रहे हैं, 4 चौक 16, ठीक है, 0 बचा यानी कि 4 आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह हम 4 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 75 है, अब माइनस का माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब इस पूरे की जगह हम 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2, और इस कोष्टक को हम बंद कर देंगे, ठीक है। और प्लस इसको हम बिल्कुल एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है, 20 भागित 4। अब हम क्या करेंगे, फिर इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस है और गुणा आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर
यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हम बोर्ड मास को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाग के बाद हम गुणा करेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, घटाव को तो हम सबसे बाद में ही करने वाले हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, भाग के बाद हम गुणा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की हम गुणा भी कर देते हैं, ठीक है। गुणा करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 75 लिखेंगे, ठीक है। 75 लिखने के बाद अब देखिए दोस्तों, हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 4 दूनी 8, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और 8 लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम इसको ना एज इट इज उतार देंगे, 20/4, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, माइनस है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, अब हम देखिए दोस्तों, 75 में से 8 घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। जब हम 75 में से 8 घटाएंगे तो देखिए 67 बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 67 लिख देंगे, ठीक है। 67 बचा, और देखिए प्लस का 20/4 कितना है, 4 है। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस और भागित आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, प्लस करें या हम भाग करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ना बोर्ड मास को फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए बोर्ड मास को हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, तो देखिए दोस्तों, अगर प्लस यानी कि जोड़ और भाग हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना भाग करेंगे, ठीक है। भाग करेंगे, फिर उसके बाद हम जोड़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम भाग करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम भाग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम 20 में 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब हम 4 का 20 में भाग लगाएंगे तो देखिए दोस्तों, 5 आ गया, ठीक है। 67 + 5, ठीक है। हमने 20 का भाग लगाया तो आ गया 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 67 और 5 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब केवल ऐड ही बचा है, तो हम क्या कर देंगे, सीधी डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अब हमें बोर्ड मास तो फॉलो करना है नहीं, तो इसमें और ज़्यादा चिन्ह तो बचे ही नहीं है, केवल प्लस है, तो हम सीधी डायरेक्ट ही प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 67 और 5 कितना होता है, 67 और 5 होगा 72, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, फाइनल जो आंसर आया वो 72 आया, ठीक है। जब हमने देखिए इस क्वेश्चन को बोर्ड मास के जरिए हमने फॉलो करके, बोर्ड मास को फॉलो करके जब हमने इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर देखिए 72 आया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें देखिए दोस्तों, आपको आंसर मिल चुका होगा, जब हमने यहाँ पर बोर्ड मास को फॉलो किया तो उसका आंसर 9 आया, ठीक। मैं आपको उस क्वेश्चन को एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, ठीक है। और आपको ये सवाल तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, जो यहाँ पर देखिए बोर्ड मास है, तो बोर्ड मास नियम आप किस तरह से फॉलो करो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस बोर्ड मास नियम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चलिए उस पिछले सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने इसको यहाँ पर सॉल्व करने के बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व किया था तो 3 आया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब हम 9 / 3 / 3 है, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी डिवाइड वाले को पहले प्रेफरेंस देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब हमने बोर्ड मास नियम हम अभी पढ़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑफ के बाद तुरंत ही डिवीजन आ जाता है, यानी कि भाग आ जाता है, ठीक है। गुणा फुड़ा तो हम सबसे बाद में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ना भाग करेंगे, ठीक है। जब हम 3 से भाग देंगे 3 में, तो यहाँ पर देखिए 3 आएगा, और 3 × 3 हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये आंसर एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड मास को फॉलो करना है, और आपको इस तरह से कोई सा भी सवाल आ जाए वो आप एकदम से चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। केवल आपको ये ना बोर्ड मास रूल याद होना चाहिए, ये बोर्ड मास भाई साहब हैं, अगर इनको आप याद रखोगे तो आप मैथ में कहीं पर भी नहीं हिलोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बोर्ड मास को अच्छी तरह से रट लेना है, ठीक है, एक एक अक्षर को रट लेना है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा या ऑफ सॉल्व होगा या भाग सॉल्व होगा या गुणा करें जोड़ करें घटाए करें क्या करें, ठीक है। तो आप इस रूल के हिसाब से आप कोई सा भी बड़ा सा बड़ा सवाल आप एकदम चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ जा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।